The next topic is prefixes and it is 1.4. ठीक है, prefixes. Pre means पहले. ठीक है, जो priority पे हो. And fix मतलब उसको fix कर दिया गया है before the unit. तो बिफोर यूनिट जो भी चीज़ हमारे पास आएगी दैट इज़ प्रीफिक्स. ठीक है, अब हमारे पास कोई वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत मतलब बड़ी क्वांटिटी है या बहुत ही छोटी क्वांटिटी है. लाइक अगर आप सिर्फ मास ऑफ अर्थ को देख लें तो मास ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 6 × 10⁻²⁷ ग्राम्स. ठीक है, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है. अगर मैं लगाना चाहूँ, इसको खोलना चाहूँ, तो 6 के आगे मुझे 27 टाइम्स जो हैं ज़ीरोस लगाने पड़ेंगे. तो ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी थी जिसको एक सिंपली जो है छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया गया कि वो 6 × 10⁻²⁷ ग्राम्स हैं. इसी तरह अगर हमारे पास जो है समटाइम्स होता है कि न्यूक्लियस का मास या प्रोटॉन का मास बहुत छोटा होता है, इवन माइनस वैल्यूज में जा रहा होता है, -24, -34. ठीक है, तो -34 बहुत छोटी क्वांटिटी है. तो अब इतनी छोटी क्वांटिटी को भी हम यू नहीं लिख सकते कि 0.0000 अप टू मैं 34 डिजिट्स तक मूव करवाऊँ. तो इसमें ना तो एक्यूरेसी रहती है और ना ही हमारे पास कोई अथेंटिक रिजल्ट आता है, और ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. इसलिए हम सिस्टम यूज़ करते हैं एक, दैट इज़ कॉल्ड द प्रीफिक्सेस. अब प्रीफिक्सेस में क्या होते हैं कि जिस तरह पावर्स आ रही हैं 10⁻²⁷, इसको मैं एक नाम दे दूंगी. जिस तरह किलो को दिया गया, किलो जो है दैट इज़ 10³. ठीक, अब मैंने अगर कोई भी क्वांटिटी लिखनी होगी तो मैं क्या कहूँगी कि इतने किलोग्राम. इट मींस कि वो मल्टीपल ऑफ 3 है. एक इसके सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने कहा जी मेरे पास 20,000 ग्राम्स में जो है कोई भी मटेरियल मौजूद है. ठीक है, 20,000, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. अब शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या लिखूँगी, 20, और ये मुझे पता है कि 10³ बन रहे ग्राम. अब इस 10³ का नाम क्या है, किलोग्राम. तो ये एक बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसलिए हमने प्रीफिक्सेस को यूज़ किया कि जिस तरह किलो, मेगा, टीरा, एग्जा, इस तरह के हमारे पास बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं जिनको अभी हम स्टडी करेंगे. ठीक है, और उन्होंने क्या किया है, हमारी बहुत लार्ज वैल्यूज़ को, हमारी बड़ी बड़ी रीडिंग्स को छोटा कर दिया है. ठीक है, कंसाइज कर दिया है. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जब तक हमें टेबल नहीं पता होगा हम एग्जांपल्स नहीं कर सकेंगे. एंड इट इज़ टेबल नंबर 1.3. ठीक है, टेबल नंबर है ये, और ये आपके टेबल नंबर 1.3 एंड इट इज़ ऑन पेज 7. ठीक है, हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस हैं जिनको हम फर्दर यूज़ करेंगे और इनके एग्जांपल्स करेंगे, देन आपको ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम इनको यूज़ क्यों कर रहे हैं. मल्टीप्लाई, अब आप देखें कि हमारे हर टॉपिक में जो है वो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब भी अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखते हैं या हम किसी प्रैक्टिकल में उसको यूज़ कर रहे होते हैं उन वैल्यूज़ को, तो हम कभी भी पूरी जो है उसका नाम नहीं लिखते. जिस तरह मीटर का पूरा नाम कभी नहीं हम लिखते, हम उसका सिर्फ सिंबल यूज़ करते हैं. इसीलिए यहाँ पे भी अगर हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं तो हम उनके सिंबल्स यूज़ करेंगे. अब प्रीफिक्सेस में एग्जा, ठीक है, EXA, इट्स सिंबल इज़ E एंड इट इज़ 10⁻¹८. इसी तरह पीटा, पीटा का सिंबल आ जाएगा P एंड इट इज़ 10⁻¹५. ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा टीरा, कैपिटल T एंड इट इज़ 10⁻¹२. देन आ जाएगा गीगा, गीगा कैपिटल G एंड इट इज़ ऑफ 10⁻¹⁹. इसी तरह आ जाएगा मेगा. ठीक है, मेगा जो है कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज़ मल्टीप्लायर ऑफ 10⁻⁶. इसी तरह हमारे पास आएगा किलो,
किलो किस तरह रिप्रेजेंट होता है कैपिटल के से, अगर किसी जगह पे स्मॉल के होगा दैट मीन्स वो केल्विन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर हमारे पास कैपिटल के होगा दैट मीन्स वो किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये इसका मल्टीपल है 3, 10^3। देन हेक्टो आ जाएगा स्मॉल एच 10^2। देन डेका डी ए एंड इट इज 10^1। इसी तरह डेसी आ जाएगा, डेसी का सिंबल आएगा डी एंड इट इज 10^-1। सेंटी, सेंटीमीटर्स हम काफ़ी यूज करते हैं इसलिए सी इसका सिंबल है एंड इट इज 10^-2। इसी तरह हमारे पास फर्दर भी कुछ जो है प्रीफिक्सेस हैं, जिस तरह मिली, मिली को हम कहते हैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट एंड इट इज 10^-3। मिली माइक्रो, माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज 10^-6। नैनो इज एन, ठीक है, एंड इट इज 10^-9। इसी तरह हमारे पास आ जाता है पीको, पीको में पी होता है 10^-12। एंड फेमटो FEMTO दैट इज स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज 10^-15। इसी तरह एटो, एटो ए से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज 10^-18। अब ऐसा नहीं है कि जिनको हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, लाइक इसमें ही अगर देख लें 3 के बाद 6 आ जाता है, अब उसमें 4, 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहे, इस प्रीफिक्सेस में नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअल में तो एग्जिस्ट करते हैं, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि उनको निग्लेक्ट कर दिया जाए। उनके लिए जो है हमने फर्दर जो टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशंस का उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, उसका नाम अगर सिलेक्ट नहीं किया गया अभी तो इट डजेंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो एग्जिस्ट तो कर रहा है बट उसका अभी नाम सिलेक्ट नहीं किया गया। इसी तरह हमारे पास प्रीफिक्सेस में भी कुछ ऐसे हैं मल्टीप्लायर्स जिनको नाम नहीं दिया गया बट वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से इसमें जो है एक गीगा, मेगा, किलो एंड मिली, माइक्रो, नैनो एंड पीको, ये बहुत कॉमनली यूज्ड होते हैं हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, देन प्रैक्टिकल परफॉर्म होंगे तो उनमें जो है हमें ये यूनिट यूज़ करने पड़ेंगे। उनकी जगह पे हम मल्टीप्लायर्स की जगह में, मतलब 10^9 की जगह हम जस्ट गीगा लिखा करेंगे। तो ये प्रीफिक्सेस हैं। अब प्रीफिक्सेस का काम क्या है कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है उसको छोटा कर देंगे, जिस तरह अब यहाँ से हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल्स में क्या है कि मैंने एक वैल्यू ली दैट इज अबाउट 2 लाख, ठीक है, 2 लाख ग्राम में मैंने कोई चीज़ ले ली। अब ये 2 लाख ग्राम मुझे बार बार रिप्रेजेंट करना मुश्किल लगेगा, इसलिए मैंने इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है मैं क्या करूँगी 200। अब ये क्या बन रहा है 10^3 ग्राम, और अगर यहाँ पे देखा जाए 10^3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं किलो से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंपली 100 किलोग्राम्स। तो एक बड़ी वैल्यू को एक छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसी तरह अगर हम बहुत छोटी वैल्यू में चले जाएं, लेट सपोज 0.00027 ग्राम्स, ठीक है, मुझे इसको छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब मैं किस तरह करूँगी, ये जो पॉइंट है इसको मूव करवाना शुरू कर दूँगी। जब ये मूव करेगा 1 प्लेस पे 2, 3, 4, 5, अब यहाँ पे 10^5 को डिस्कस नहीं किया गया इसलिए मैं इसको 6 प्लेसेस पे मूव करवा देती हूँ। 27.0 × 10^-6 ग्राम। अब ये 10^-6 हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है कि दैट इज इक्वल्स टू माइक्रो, तो यहाँ पे इसको सिंपली क्या लिखा जाएगा 27 माइक्रोग्राम। अब प्रीफिक्सेस की सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर हम पॉइंट को मूव करवा रहे हैं, ठीक है, जैसा मैंने पॉइंट को मूव करवाया है तो उसको मूव करके किसी ऐसी जगह पे जाना है जो नॉन ज़ीरो डिजिट हो, ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पे नॉन ज़ीरो डिजिट आना ज़रूरी है, ये प्रीफिक्स की कंडीशन है,
ठीक है, अगर यहाँ नहीं आएगा, लेट सपोज यहाँ फिर जीरो आ गया, तो हमें जीरो का कोई फायदा नहीं है, हमें उसको ऐसी जगह पे मूव करवाना है जहाँ पे हमें कोई नॉन जीरो डिजिट मिल रहा हो। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास पॉइंट जो है इस तरह से मूव कर रहा हो, ये तो मैंने जो है राइट साइड पे मूव करवाया है, जब भी राइट साइड पे मूव करेगा, राइट साइड पे मूवमेंट होगी पॉइंट की, तो वो नेगेटिव में आएगी, मतलब 10 की पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह अगर लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, जिस तरह 21 00। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं भी है, ठीक है, शो नहीं हो रहा, बट इट मीन्स कि यहाँ एग्जिस्ट करता है, इस वैल्यू के बाद हम जो है यूँ लिख देते हैं, इट मीन्स कि ये वैल्यू हमारे पास सिग्निफिकेंट है। अब अगर इस पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है तो क्या होगा, 1 place 2 3 then 4 5, और ये मेरी अपनी मर्जी है कि मैं इसको कितना मूव करवा रही हूँ, मैं इसको यहाँ पे भी करवा सकती हूँ, मैं इसको 3 places पे भी करवा सकती हूँ। अगर मैं इसको जस्ट 3 places पे मूव करवा रही हूँ, लेट सपोज मैंने 100 तक मूव करवाया, ठीक है, तो मेरे पास क्या ये वैल्यू क्या बनेगी, 200.1, ठीक है, इंटू 10^-3 grams। अब फिर वो 10^-3 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिली को, इसीलिए ये बन जाएगा 200 mg। तो पॉइंट की मूवमेंट से भी बहुत मैटर करता है कि अगर वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है पॉइंट, ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव मल्टीप्लायर आएगा, पॉजिटिव होगी 10 की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर हम राइट साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे पास जो 10 की पावर होगी वो नेगेटिव में आएगी, इसीलिए हम लोगों ने नेगेटिव सिस्टम जो है नेगेटिव प्रीफिक्सेस को भी लिखा है और जो है पॉजिटिव प्रीफिक्सेस को भी लिखा है। सो प्रीफिक्सेस के टॉपिक में हमने डिस्कस क्या किया है कि प्रीफिक्सेस जो है हम यूज़ करते हैं लार्ज वैल्यूज़ को या बहुत स्मॉल वैल्यूज़ को एक स्टैंडर्ड वैल्यू बनाने के लिए, ठीक है। देन हमने टेबल डिस्कस किया कि हमारे पास पॉजिटिव पावर्स भी आ रही होती हैं, नेगेटिव पावर्स भी आ रही होती हैं, और इनमें से कुछ ऐसी हैं जो हमने डिफाइन नहीं की, तो ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो एग्जिस्ट करती हैं, बट जिनका हमने जो है कुछ के हमने नाम दे दिए हैं उनके सिंबल्स आगे हम फर्दर यूज़ करते हैं। और इसी तरह हमने कुछ एग्जांपल्स को देखा है और उसमें पॉइंट की जो पोजीशन है उसको डिस्कस किया है कि अगर एक पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है तो वो 10 की पावर पॉजिटिव बना देगा, इसी तरह अगर राइट साइड पे मूव करेगा तो वो 10 की पावर नेगेटिव में बना देगा, जिसकी वजह से हमारे पास दोनों सिस्टम्स जो हैं वो रन करेंगे। दैट वॉज द एंड ऑफ द टॉपिक।